अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद मुआविया आजम चैनल और आज हम बात करने वाले हैं मौलाना मुआविया आजम साहब के बारे में, जिनका असल नाम मोहम्मद मुआविया है और उनके वालिद का नाम आजम तारक है और ये झंग शहर के रिहायशी हैं। कौम इनकी राजपूत है। ये तीन भाई हैं, एक का नाम मुआविया, दूसरे का नाम अनस, तीसरे का नाम अली हैदर है। मजहबी घराने से इनका ताल्लुक है। इब्तदाई तालीम इन्होंने झंग में हासिल की और आलिम बनने के लिए दारुल उलूम कबीर वाला और कादरिया हनफिया में इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की। शादियाँ इनकी दो हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मौलाना हक नवाज चनवी शहीद के बेटे मौलाना इजहारुल हक शहीद की जो बीवी है वो मौलाना मुआविया आजम साहब की अहलिया कैसे बनी। इस बात पर मौलाना मुआविया आजम साहब खामोश हैं। इनका शौक इनको अपने वालिद मोहतरम से मिला, जो 7 बार MPA बने और मस्जिद में बैठ कर सियासत की। अपना इनका घर 3 मरले का है और वो भी किराए का है। किसी आदमी ने मशवरा दिया कि जाती मकान ले लो, कहने लगे जो तनख्वाह मुझे मिलती है इससे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, अपना मकान बनाऊं ये मुमकिन नहीं है। और जब इलेक्शन हुए, MPA मुंतखब हुए, तो उन्होंने पूरे जंग शहर के काम करवाए और अपने मोहल्ले की गलियाँ ख़राब थी तो किसी ने कहा कि आप अपने मोहल्ले पर तवज्जो दें, कहने लगे पहला हक शहीद का है फिर अपने मोहल्ले का है। और किसी ने कहा आप बहुत दबंग MP हैं, बोले मुलक कलमे के नाम पे मिला है और फिर इसमें करप्शन हो ये तो गलत बात है। एक दफ़ा सिद्दीकाबाद में सोलंग की ईंट ख़राब थी तो उन्होंने सारा सोलंग दोबारा बनवाया। अब जो ठेकेदार आता है वो इस्तखारा करके आता है और ये एक मशहूर खतीब हैं जो पूरे पाकिस्तान में महाफिल पढ़ते हैं। इनका ताल्लुक SSP जमात के साथ है और इस जमात का काम दिफाए सहाबा है। इस काम की वजह से इन पे बहुत सी FIR भी हुई। इनका नाम 4 शेड्यूल में आया और बहुत सारे इजलाम में इनके बयान पर पाबंदी है। और पहली बार नामुसे रिसालत की बात और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात असम्बली में करने वाले मौलाना मुआविया आजम साहब हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।